खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। फतेहाबाद में आज दो अलग अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में रखवाया है। पहले मामले में गांव बड़ोपल के पास पंजाब से जयपुर जा रही थी कूड़े की ट्राली अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई, जिसमें ट्राली पर बैठे चालक गोविंद निवासी संगरूर और परिचालक कवि निवासी संगरूर दोनों की ही मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में गांव जाडली के पास सुकलमपुर निवासी सुखविंदर और उसका बेटा सोनू मोटरसाइकिल पर सवार होकर नरवाना की ओर जा रहे थे। गांव जाडले के पास अखबार लेकर जा रही गाड़ी से बाइक की टक्कर हो गई और मौके पर ही बाप बेटे दोनों ने दम तोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को दोनों ही मामले में बहाल करवाया है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए DSP दलजीत बेनीवाल ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लापरवाही बरतने वाले गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांडली के पास अखबार की गाड़ी के साथ एक बाइकर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बाप बेटे की मौत हो गई है और पुलिस इसमें FIR लॉन्च करके कार्रवाई कर रही है। दूसरा हादसा कहाँ है? दूसरा हादसा भी ये यहाँ इसमें बड़ोपल के पास एक्सीडेंट हुआ था कूड़े की ट्राली से पलटने से, जिसमें भी दो की मौत हुई है और पुलिस अपनी जाँच कर रही है। तो दोनों मामलों में क्या कार्रवाई रहेगी पुलिस की? FIR लॉन्च करके जो इन्वेस्टिगेशन बनता है पुलिस का वही चलेगा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ जी, हाँ जी।